तो यार टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट शेडो एंड बोन। इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में ये, और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। शो की कहानी बेस्ड है एक बेस्ट सेलिंग नावल, सॉरी यार, एक बेस्ट सेलिंग ग्रेसिया वर्स ट्रायलॉजी नावल पे, जिस पर ये पर्टिकुलर शो बना है। अगर आप लोगों ने वो नावल नहीं पढ़ी है मेरी तरह, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में, इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, उस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पर 3 देश है, तीनों की आपस में नहीं बनती है, तीनों एक दूसरे के दुश्मन है, रेवेक, जर्डा और सुहान। अब रेवेक जो हमारे शो का मेन देश है, वहाँ पर एक साया है, यानी कि शेडो है। उस साये ने रेवेक को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया है। अब आप लोग बोलोगे यार ये शेडो को पार करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेडो के अंदर बहुत सारी क्रीचर्स वेट कर रहे हैं कि आओ भाई आओ, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार है। क्योंकि उस शेडो में जो भी इंसान गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है। खैर, रेवेक में अपनी 2 आर्मीज है। फर्स्ट आर्मी जहाँ पर उस देश के वो नॉर्मल लोग हैं जिनके अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स है नहीं, और उस फर्स्ट आर्मी के लोगों को ट्रैकर्स कहा जाता है, जिसमें सोल्जर्स होते हैं। और जो सेकेंड आर्मी होती है उसमें जितने भी मैजिकल सोल्जर्स होते हैं उन्हें ग्रेशा कहा जाता है, उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही होती है। और पर्टिकुलरली ये कैसे पता चलता है कि बचपन में ही वो लोग हर एक बच्चे का एक तरह का टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट में पता चलता है कि किस बच्चे में मैजिकल पावर्स है। और जिस बच्चे में मैजिकल पावर्स होता है तो उस वक्त से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और उसको एज अ ग्रेशिया सब लोग बुलाने लगते हैं। खैर, एक चीज़ और बता दूँ कि भाई ग्रेशिया से इस पर्टिकुलर देश के लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि ये जो बड़ी सी परछाई है ना, ये किसी और ने नहीं बल्कि एक ग्रेशिया ने ही क्रिएट की है। अब वो ग्रेशिया कौन है वो तो आपको ये शो में ही पता चल जाएगा। खैर, अब बात करेंगे शो के मेन प्लॉट की, जो कि स्टार्ट होता है एक ऑर्फनेज से, जहाँ पर हमें एलिना और मेल नज़र आते हैं। दोनों के बीच की बॉन्डिंग बचपन से बहुत अच्छी होती है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एलिना और मेल दोनों ही फर्स्ट आर्मी में, यानी कि मेल एक ट्रैकर यानी कि सोल्जर है और एलिना एक मैप मेकर है। लेकिन अब इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे ये पता चल जाता है कि एलिना के अंदर कुछ मैजिकल पावर्स है, वो सन को बुला सकती है। अब उसके बाद एलिना के साथ क्या कुछ होता है और मेल के साथ क्या कुछ होता है, फिर कैसे दूसरे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। खैर, आप बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो ये एक फैंटेसी एडवेंचर शो है जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा था। एटलीस्ट 2021 में नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई भी इस लेवल का शो नहीं आया जो ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक स्क्रीन से बांधे रखे। और मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के कहीं से भी कंपैरिजन नहीं है, और कहीं से भी ये गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का नहीं है। लेकिन शेडो एंड बोन का अपना एक अलग चार्म है, अपना अलग मज़ा है, जिस मज़े में आप लोग पूरी तरह से खो जाओगे। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और आप लोग इतना भी कह सकते हो कि भाई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उनकी अलग अलग स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और स्पेशली मुझे कैस और उसकी टीम की जो स्टोरी लाइन है वो ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन हाँ, नीना और मैथ्यूस, उनकी भी स्टोरी कुछ ज़्यादा बुरी नहीं थी। लेकिन हाँ, जेनल खिरीगन, एलिना और मेल, इन तीनों का जो एक प्लॉट था वो तो यार मेन प्लॉट है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी लाइन है, अपना एक अलग मज़ा है, अपनी एक अलग चीज़ है जो आपको बताने के लिए वो लोग बेसब्र है, जिसे देखने के बाद आप लोग बस इन कैरेक्टर्स के पूरी तरह से दीवाने हो जाओगे। इसके अलावा शो में आपको लव, इमोशन, फ्रेंडशिप, थ्रिल, एडवेंचर, क्रीचर्स, मैजिक, यानी कि वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो आप एक फैंटेसी एडवेंचर शो से एक्सपेक्ट करते हो। शो में चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कहीं से भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होती नहीं है। सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो यार मेरा दिल जीत लिया। द अमाउंट ऑफ VFX, स्पेशली जो शेडो वाले सीन थे उसके अंदर जो क्रीचर्स थे, और वहाँ पर जो एक लाइटिंग का यूज़ किया है, यार जब कोई सीरीज़ में आप इस लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखो तो अपने आप आपको एक अलग वाला एक्सपीरियंस होता है और मज़ा आ जाता है। BGM अगेन आउटस्टैंडिंग, हर एक सीन को BGM एक अलग लेवल पे लेके जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यार ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, बहुत ही मज़ा आ गया देखकर। और स्पेशली बेन बांस उनका नाम है, जिसने यहाँ पर जनरल कैरीगन का रोल प्ले किया, द वे ही एक्ट ना यार,
उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहे थे, यार मजा आ गया। शो की एडिटिंग बहुत अच्छी है, एपिसोड्स बड़े होने के बावजूद भी एक भी सीन आपको बोर नहीं करता। हाँ, लेकिन नीना और मैट्यूस का जो स्टोरी लाइन थी वो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 2 में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, इतना तो मैं सीज़न 1 से समझ चुका हूँ। डायरेक्शन शो का बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उसने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो देखिए यार, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। हालांकि मुझे लगा था कि इस शो में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ज़बरदस्त न्यूडिटी वाले सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, एडल्ट सीन है, मगर फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड में ही वो किसिंग सीन है, उसके अलावा कुछ भी ऐसे एडल्ट सीन है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि अगर आपके घर में एडल्ट है तो ही ये शो देखो, अदरवाइज बच्चे और बुजुर्ग है तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। और हाँ, एक जो मैं यहाँ पर स्पॉयलर तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि एपिसोड फोर में एक ऐसा सीन है जहाँ पर आपके माइंड में, अगर आप लोग मेरी तरह बहुत सारी सीरीज़ और मूवीज देखते हो, तो आप लोग 90% श्योर हो जाओगे कि भाई इन सारी चीज़ों के पीछे यही है। और ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी जो एक मज़ा है वो मज़ा ख़त्म नहीं होता थ्रू आउट द शो। यार आई लिटरली इंजॉयड, एक सेकंड के लिए भी मेरी आँख नहीं झपकी, हालांकि मैंने पूरी रात को जाग कर ये शो देखा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों के लिए यार, मुझे खुद भी सीरीज और मूवीज़ देखने के लिए मज़ा आता है यार। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, सीज़न 2 डेफिनेटली आने वाला है, जो कि और भी रोमांस से भरपूर होगा। चीज़ें अभी तक ख़त्म हुई नहीं है, जो कि एज यूजुअल इस तरीके की सीरीज़ वो लोग इतनी जल्दी ख़त्म करते भी नहीं है। तो यार वेट करेंगे सीज़न 2 का, टिल देन जाओ सीज़न 1 देखो, इंजॉय करो। अगर आपको क्या लगा सीज़न 1 देख के वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, क्या करूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।